नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Honor 200 Pro 5G versus IQOO 12 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 6.43 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो 200 प्रो में 2.96 इंच जबकि IQOO 12 5G में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो 200 प्रो में 199 ग्राम जबकि IQOO 12 5G में 203.7 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो 200 प्रो में OLED जबकि IQOO 12 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 200 प्रो में 1224x2700px FHD+ और IQOO 12 5G में 1260x2800px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 200 प्रो में 90.38% जबकि IQOO 12 5G में 89.61% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 200 प्रो में 437 पिक्सल प्रति इंच जबकि IQOO 12 5G में 453 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 200 प्रो में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। और IQOO 12 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में पेरिस्कोप कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 200 प्रो में 12 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और IQOO 12 5G की बात करें तो उसमें 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो 200 प्रो में डुअल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और IQOO 12 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 200 Pro में Adreno 735 जबकि IQOO 12 5G में Adreno 750 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 200 Pro में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 और IQOO 12 5G में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 मिलता है। बात करें RAM की तो 200 Pro में 12GB की RAM मिलती है जबकि IQOO 12 5G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 12GB, 16GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो 200 Pro में 512GB की स्टोरेज मिलती है जबकि IQOO 12 5G में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 256GB 512GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी 200 प्रो में 5200mAh जबकि IQOO 12 5G में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 200 प्रो में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है,
जो कि 12 गीगाबाइट रैम 512 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 57,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें IQOO 12 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 12 गीगाबाइट रैम 256 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 52,999 रुपीस, 16 गीगाबाइट रैम 512 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 57,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Honor 200 Pro 5G में 6 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें IQOO 12 5G की तो उसमें 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में IQOO 12 5G आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में IQOO 12 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें मोटोरोला एच 50 फ्यूजन 5G है, दूसरा ऑनर 200 5G है, तीसरा शाओमी 14 से भी 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें रियलमी GT6 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।